Hello everyone, I am Karthikeya Sharma. In this particular video of my YouTube channel, I'm gonna tell you that how I use my biology NCRT during the last 5 to 6 months of my preparation journey, how I studied biology during the last month, and which helped me score 345 out of 360 marks in NEET 2021. Also, if you like the video, press the like button, share it with your friends, or agar channel pe naye ho, to bhaiya subscribe kar do yaar. ऐसा क्यों करते हो? सो एज यू गाइज ऑल नो कि ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्ज़ाम्स आज से स्टार्ट हो गए हैं और मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ दे मस्ट बी फेसिंग लॉट ऑफ इशूज़ इन कोपिंग अप विद द बोर्ड्स एंड नीट साइमल्टेनियसली. एंड अब क्योंकि पेपर में 4 to 5 months ही रह गए हैं, सो ये एक ऐसा टाइम है जब यू शुड फोकस मोर ऑन योर एफिशिएंसी. आपको हर एक चैप्टर एफिशिएंटली रिवाइज करना पड़ेगा. अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उतना ही टाइम लो रिवीजन के जितना आप पहले ले रहे थे. एंड बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली आपका पूरा फोकस एनसीईआरटी ही रहेगा. बाय द टाइम ऑफ नीट आपको हर एक चैप्टर अगर 7 to 8 times रिवाइज होगा तो जाके आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहोगे कि अगर किसी भी लाइन से सवाल आ जाता है आप उसे बना सकते हो. राइट, सो with this I'm gonna tell you few points and how to use a NCRT, how to highlight, how to which thing to takes more importantly and stuff. So let's go. So guys, this is my class 12th NCRT. The first point I need to tell you is that you need to highlight all the important line, important datas in the scientist name, the year of discovery एंड ऑल दैट स्टफ वेरी डिस्टिंक्टिवली. आपको बहुत ही आपको पता होना चाहिए आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ को किस चीज़ से मार्क कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने चूज़ किया, मैंने जो ग्रीन कलर से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट डेटाज हैं मैंने उन्हें ग्रीन से हाईलाइट किया. जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू नो, जो वन लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक, उन सबको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया. तो ये चीज़ आपको क्लियरली हाईलाइट करनी नहीं है. दिस थिंग विल ओनली हेल्प यू जब आप अपना आगे रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ है. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट द फोटोग्राफिक मेमोरी ऑफ द सेम थिंग. अगर मैं इसमें आगे दिखाऊँ, मैंने सेम चीज़ें सेम पैटर्न में यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उन्हें उसी पैटर्न में मार्क किया है. चागा, फ्रूल, यहाँ पे सारे जो डबल हेलिक्स मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको मैंने सेम पैटर्न में हाईलाइट किया. जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उतने ही उस कलर में मैंने उसको हाईलाइट किया है. दिस विल हेल्प यू जब आप आगे अपना रिवाइज करेंगे सेम चीज़ को, वो चीज़ आपको अलग दिख जाएगी कि हाँ ये वो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस थिंग आई नीड टू कीप इन माइंड मोस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जिसे हम सभी बहुत ही ईजी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जहाँ पे लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्या उनके जनरलाइज फीचर हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अच्छे अच्छों को कन्फ्यूज कर सकते हैं. सो ये वाला पार्ट जो है, इसमें आपको जो सेंटेंसेज हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड दम वेरी क्लियरली. यहाँ पे जितने भी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर कंसिडर्ड डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर. तो ये सब चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन उनके जब क्वेश्चंस आते हैं वो हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं. ऐसे ही जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्चुअल है. ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो हमें फैक्ट्स हैं, हम ज़्यादा उससे नोन हैं, तो वो उतना कंफ्यूज नहीं करता. बट प्लांट फिजियोलॉजी उतनी ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है. जैसे मैंने पूरे जो प्लांट फिजियोलॉजी थी उसको अच्छे से बार बार रिवीजन के थ्रू ऐसे ही हाईलाइट किया था, प्लांट हॉर्मोन्स. तो ऐसे आपको डिस्टिंक्टिवली चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है जिससे आपको मेकआउट करने में ईज हो. द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स, डेटाज और टेक्स्ट कंटेंट, फैक्ट्स, उन सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं.
और एग्जाम्पल्स हर जगह मिलेंगे, वेदर इट इज़ प्लांट किंगडम, वेदर इट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपको एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के लिए तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जैसे ये जो डायग्राम्स थे इनकी क्लियर स्टडी आपको होनी चाहिए, मैंने साथ साथ इनके नाम लिख लिए थे ताकि मेरे को बार बार नीचे से रेफर ना करना पड़े। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं ईज देंगी पढ़ने में। सारे एग्जाम्पल मैं जानता हूँ थोड़ा आपको कंजस्टेड लग रहा होगा, लेकिन विद रिविजन आपकी एनसीईआरटी बुक ऐसे ही अगर भर जाएगी तो कंपाइलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी जब आप लास्ट के डेज में रिवाइज करोगे। सारे एग्जाम्पल अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, और मॉर्फोलॉजी तो पूरी ही आपके एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। मॉर्फोलॉजी में तो एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी के तो सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने ही चाहिए। अभी जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल को मैंने फिर से ग्रीन से हाईलाइट किया था क्योंकि आई कंसिडर एग्जाम्पल वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम्पल अच्छे से आपको हर चीज़ के होने चाहिए, और आप एग्ज़ाम्पल्स को अपने नीड के हिसाब से लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन का पार्ट है, मैंने यहाँ पे हर स्टेम मॉडिफिकेशन के डायग्राम बना लिए थे ताकि मेरे को टेक्स्ट के थ्रू मैं उसको रिलेट कर पाऊँ वेरी इजीली, और साथ ही में मैंने उनके एग्ज़ाम्पल लिख लिए थे। ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको थोड़े करने पड़ेंगे जिसको आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलने में बहुत हेल्प मिलेगी। सारे एग्ज़ाम्पल मैंने अलग से हाईलाइट कर रखे हैं, दिस हेल्प मी जब मैं बार बार रिवाइज करता हूँ, जब मैं कर रहा था बार बार रिवाइज, तो ये सब चीज़ मेरे को अलग से हाईलाइट हो रही थी। ये सब पूरे मॉर्फोलॉजी आपके एग्जाम्पल से ही कवर है, तो आपको एग्जाम्पल्स पे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अलग से उन पे ध्यान देना पड़ेगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब देखिए बायोलॉजी में स्पेसिफिकली आपको आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज कम्प्लीटली नो नीड, बट द थिंग्स विच हैव कम इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विच इन सम सॉर्ट हैव आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट, वो चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि मेरे को पर्सनली थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, अब इसमें मेरे को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, वो सब मैंने उस चीज से रिलेशन में यहाँ पे सब लिख लिए थे। अब देखिए कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होंगी और ये चीज़ आप लोग कर भी रहे होंगे बहुत लोग, लेकिन आपको उस अपने हिसाब से अपनी ईज के लिए उस चीज़ को एक समराइज वे में लिख लेना है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी जनरेट होते हैं, कितने एटीपी लगते हैं, इस चीज़ का मैंने छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया था। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी बायो के लिए, एनसीईआरटी का कॉन्टेक्स्ट ही आपको बार बार रिविजन के थ्रू अच्छा हो जाएगा, बट जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको साइड में लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा पार्ट है कि ह्यूमन आरबीसी शो एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्यों? बिकॉज दे हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है, ईटीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये पार्ट बहुत ही हॉचपॉच वाला लग रहा होगा, बट ये सब चीज़ अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो आपको वो बहुत ही ईज लगेंगी, किसी और को क्या लगे। अब फॉर एग्जाम्पल क्रैब साइकिल का ये पूरा पार्ट है, क्रैब साइकिल को आपने ऑनलाइन बहुत टीचर से पढ़ा होगा, मैंने क्रैब साइकिल को जैसे मैंने गरिमा गोयल मैम से पढ़ा था, इस पार्ट को मैंने एक छोटी सी फॉर्म में यहाँ पे बना के लिख लिया था, और इसी की उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, सी आई नो अ सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ट्रिक, सॉरी फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। तो इस अपने हिसाब से चीज़ों को ईज में लेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। इसकी डिटेल साइकिल मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बना ली थी, और अलग अलग चीज़ें क्या क्या एटीपी को मार्क कर रहा है, क्या CO2 को मार्क कर रहा है, ये सब मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ली थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ETC NCERT के डायग्राम से मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने ऑनलाइन जब मैं पढ़ता था तो मैंने अलग से एक A4 साइज शीट में NADPH और FADH दोनों अलग अलग के ये चार्ट बना के यहाँ से चिपका दिया, और ये मेरे को बहुत ही हेल्प करने लगा क्योंकि मैं बार बार इसी को पढ़ता था। सारी डिटेल्स मैंने इसमें लिख ली, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी था, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहीं पे साथ में लगा लिए, और ये आप डिटेलिंग देख रहे होंगे। ये सब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब एक बार में नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे उतना ही ज़्यादा आपके हाइलाइटर बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले पेंसिल से मार्क किया, मैंने साथ में पेन से लिखा है, फिर मैंने स्केच पेन से भी बीच बीच में मार्क किया है, फिर मैंने हाइलाइटर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिविजन यू टेक फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। सो ऐसे ही चीज़ों को मैंने ऐसे हाईलाइट किया था। इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किन्हीं किन्हीं चैप्टर में बिल्कुल नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई शो यू ह्यूमन फिजियोलॉजी ब्रीथिंग है, ये फ्लूइड सर्कुलेशन वाला चैप्टर, अब जैसे ये देखिए
इसमें मैंने ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट मेरे को पता है क्या क्या है, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट में दे रखा है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने उसे एक साइड में टेबल बना के लिख लिया था। सो वेन एवर आई रीड दिस पार्ट आई नीड नॉट टू रीड द कॉन्टेंट अगेन, आई जस्ट हैव टू व्यू दिस टेबल, और तो आपका टाइम भी बचाएगा एंड इट ऑल्सो इंक्रीज योर एफिशिएंसी। इन्फ्लेमेशन और एनर्जी में क्या डिफरेंस रहता है मेरे को कन्फ्यूजन होती थी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। टाइप्स ऑफ WBCs में जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक छोटा सा पेज में यहाँ पे लगा लिया। सो मेरे को बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं थी, मेरे को सिर्फ इसको कंसर्न करना था। ये सब चीज़ आपको अपनी NCERT में कंपाइल करनी है। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है, शुगर लेवल कितना होता है, ये सब चीज़ मैंने अच्छे से इसमें कवर करी थी। द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीडिंग बायोलॉजी इज योर डायग्राम्स, व्हिच इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस जितना आपका टेक्स्ट और डेटाज, ये सब है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो, मैं आप सब लोग जानते हैं। सारी जो उसमें मार्किंग्स हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेना है, उसमें अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन बनानी है तो आप इससे कर सकते हो थोड़ी बहुत। जैसे मैंने माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, ये सब यहाँ पे लिखा था, क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में PYQ में आ रखे थे। तो डायग्राम्स की आपको अच्छे से स्टडी होनी चाहिए, अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए। उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन लगता है, इफ़ यू फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट, सो वो चीज़ आपको इसमें लिख लेनी चाहिए। तो डायग्राम्स जब आपको एक कंपाइल फॉर्म में बन जाएंगे, एक कंपाइल, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कंपाइल फॉर्म में मेरे पास बन गई, तो मेरे को बार बार इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। स्कल के डायग्राम में मेरे को कितनी पेयर्ड और कितनी अनपेयर बोन थी, मैंने सब यहां देखी है, मैंने इसमें लिख रखा है ब्रैकेट में। तो ये सब चीज़ आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल कर लेनी है। अब स्पाइनल कॉर्ड में कितनी कितनी बोन्स होती हैं, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम में, ये सब मैंने एक छोटे से फॉर्मूला में लिख लिया था, CTLC। अब ऐसे ही अगर आप करेंगे तो ये आपकी एफिशिएंसी और आपका जो प्रोडक्टिविटी है दोनों इसके थ्रू इंक्रीज होगी। सो गाइज, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 to 5 टिप्स विच आई पर्सनली यूज वाइल स्टडिंग बायोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट 5 to 6 मंथ्स। सेम क्राइटेरिया आई विल बी फॉलोइंग फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे सो श्योरली आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे थे तो प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग देम। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। आप यू नीड नॉट टू हंट फॉर द बिगर थिंग्स, यू जस्ट नीड टू गो फॉर द स्मॉलर स्टफ। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लव्ड इट। प्लीज़ इसमें से कुछ सीख के जाइएगा, भले ही वो छोटी सी चीज़ नहीं क्यों ना हो, लेकिन इस उसका आपको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। विद दैट सभी को बहुत ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, और अगर आपको कोई इससे प्रोग्रेस होती है तो प्लीज़ लेट मी नो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।